रुद्रप्रयाग में 12 साल की उम्र में छात्र ने अपनी सोच से बेहतरीन प्रदर्शन का नमूना दिखाया है। यहां डैम प्रोजेक्ट को बनाने में बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। वहीं इस बालक ने ऐसा कर दिखाया है जो काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले इस छात्र ने किताबी ज्ञान के आधार पर विद्युत उत्पादन के डैम के प्रोजेक्ट का नमूना अपने अल्प संसाधनों में तैयार किया है। वहीं बालक के इस प्रोजेक्ट को जब अध्यापकों ने देखा तो वो भी देखकर हैरान रह गए। इसकी प्रेरणा मुझे साइंस की बुक से मिली है। ये मैंने साइंस की बुक में देखा था कि डैम का मॉडल कैसे काम करता है। पहले मैंने देखा कि उसके पीछे ना पानी कलेक्ट होता है जो हैवी फोर्स में नीचे जाता है, तब टर्बाइन रहती है जो वो तेजी से रोटेट होती है, अंदर जो एक जनरेटर होता है जो उसे भी रोटेट कराती है, और तब वो 4000 मेगावाट का करंट फेंकती है जो सारे बल्बों को ऑन करती है। मैंने भी उसी को देख के मॉडल बनाया है। वही शुभम की इस प्रतिभा को उचित मंच न मिलने से उसके माता पिता अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। सर मैंने तो पहले मना किया उसको, ये कुछ मत कर, चाहे मैं चाहे गाड़ी या कुछ भी ला देती है उसको, चाहे गिफ्ट में कुछ भी मिलता वो खोल के उसी को जुड़ा के फिर कर देता था। उसी से उसको प्रेरणा मिली है वो किताबों से। सर मैं तो मना कर देती है। ये अमित आया, अमित राकेश महामंत्री जो है उनने सारा सहयोग दिया हमको, तब बच्चे को समझाया, मुझे भी समझाया कि बच्चे को मत मारो, ये काम करने दो। सरकार जहां एक और विद्युत जैसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए लाख रुपए खर्च करती है, वहीं छोटी सी उम्र में शुभम ने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर सरकार को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, गुरु किसका भाग्य संवारेंगे, कैसा रहेगा राहु का गोचर, मंगल से किसे लगेगी ठोकर, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।